हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर मोटिवेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक DIY ऑर्गेनाइज़र का आइडिया शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे एक ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत थी अपने किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो मैं यहाँ पे उसे बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इस ऑर्गेनाइज़र का वीडियो शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया है और इसके बाद ये जो फैब्रिक आप देख रहे हैं ये मेरे सोफे के कवर का फैब्रिक है जो कि बच गया था। जो मैंने फ्रिज का जो मैंने कवर बनाया था उसी सोफे के कवर से मैंने बनाया था और वो जो फैब्रिक थोड़ा बहुत बच गया था उसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसकी पतली पतली पट्टी काट ली है और मैं अंदर की तरफ फेविकोल लगा के इसे इसका हाफ पोर्शन अंदर की तरफ और हाफ पोर्शन बाहर की तरफ फोल्ड करके मैं इसे स्टिक कर दूंगी। इस तरीके से अगर आप स्टिक करते हैं तो बहुत ही ईजिली ये हो जाता है और कहीं से मुचड़न वगैरह भी नहीं होती है। और ये जो फैब्रिक, अगर इस तरीके के आप हार्ड फैब्रिक यूज़ करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए, तो ये आपका बहुत ईजी वे में काम हो जाएगा। और इस तरीके से पट्टी बना करके आप अगर स्टिक करते हैं तो ये बहुत अच्छे से स्टिक भी हो जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। और ये सारे ऑर्गेनाइज़र काफ़ी काम आते हैं, काफ़ी यूज़ होते हैं। इनसे आप अपने बच्चों के टॉयज़ वगैरह या स्टेशनरी वगैरह या फिर अपने वार्डरोब वगैरह में भी कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि मैं इसका यूज़ कहाँ कर रही हूँ। मुझे ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत थी इसीलिए मैं टाइम टाइम पे ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाती भी रहती हूँ और मार्केट से भी परचेस करती रहती हूँ। ये देखिए कितने इजी तरीके से बिना किसी कट वट लगाए मैं इसे यहाँ पे अच्छे से चिपका दे रही हूँ फेविकोल के हेल्प से। ग्लू गन से भी स्टिक हो जाता है पर मुझे फेविकोल से चिपकाना बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही मजबूत भी रहता है। अगर आपके पास पुराने सोफे का कवर है तो आप उसका यूज़ बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र वगैरह बनाने में कर सकते हैं और वो एक जैसे भी लगते हैं देखने में। और इसका मटेरियल हार्ड होता है तो ये अच्छे से देखने में भी अच्छा लगता है और इसे चिपकाना भी बहुत ही आसान होता है। तो ये देखिए तीन साइड से ये स्टिक हो चुका है और अब जो बचा हुआ कपड़ा था मैं यहाँ पे लगा करके इसे भी स्टिक कर लूँगी। इस तरीके के बॉक्सेस हमारे घर में काफ़ी सारा कलेक्ट होता रहता है टाइम टू टाइम, तो उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए, उसका इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और कहीं ज़रूरत नहीं है तो आप उसे बिना डेकोरेट किए भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे डेकोरेट ही करें, आप उसे एज इट इज़ ही यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको उसमें क्या रखना है। कपड़े वगैरह अगर आपको रखना है तो आप इस तरीके से डायरेक्ट कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में ना रखें और इस पर कुछ ना कुछ कवर वगैरह लगा के ही रखें। मैंने अपने टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो में भी शेयर किया था, आप टी शर्ट से भी क्विकली अपने कार्डबोर्ड वगैरह वाले जो कार्टन वगैरह हैं उन्हें आप कवर कर सकते हैं क्विकली। तो उस तरीके से कवर करके आप अपने सामान को अच्छे से मैनेज करके रख सकते हैं। बाकी का जो फैब्रिक बचा है उसे मैं अंदर में लगा दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो उन्हें सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो भी नीचे थोड़ा बहुत फैब्रिक बच गया है तो उसे वहाँ पे मैं ये लेस लगा रही हूँ।
आप इसे डेकोरेट करने के लिए ऊपर में भी एक लैस लगा सकते हैं, ऊपर के भी एजेस पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे के एजेस पे लगा रही हूँ क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा सा कम पड़ गया था। नीचे के साइड में आप पेपर वगैरह चिपका सकते हैं, पर मुझे ज़रूरत नहीं था तो मैंने नहीं चिपकाया है। देखने में अच्छा लगता है और पता नहीं चलता है कि ये क्या चीज़ का बना है, तो आप नीचे में भी इसको स्टिक कर सकते हैं। आजकल तो मार्केट में सुंदर सुंदर फोम सीट भी मिलते हैं, उसे भी लगा के आप इसे अच्छे से एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो चुका है। मैं इसे यहाँ बेड के पास रख रही हूँ, जैसे कि कुछ कुछ जो सामान होते हैं, जैसे कि वॉच, एसी का रिमोट वगैरह, जो भी कुछ है छोटे मोटे सामान जो बेड साइड पे फैले रहते हैं, उसे आप इसमें आराम से रख सकते हैं। या फिर आप इसका यूज़ कहीं पे भी कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।